सब्रो सदाकत व इंसानियत का त्यौहार मुहर्रम 9 जुलाई मंगलवार को अकीकत मोहम्मद एवं आपसी भाईचारे के साथ मनाया गया। शहीदाने करबला हजरत इमाम हुसैन व उनके 72 जानिसार साथियों की याद में मनाया जाने वाला यौमे यासूरा का पर्व ताजिए के साथ जुलूस निकालकर अलग अलग क्षेत्र से चलकर किला परिसर में एकत्रित होकर ढोल नगाड़े एवं लाठियों के कर्तव्य के साथ सम्पन्न हुआ। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का पैगाम यह है कि सच्चाई कभी झुकती नहीं। मुहर्रम की 10 तारीख को करबला का दर्दनाक वाक्या, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु तआला वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन अपने नाना जान हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए नमाज की हालत में सजदे में सर कटा दिया। हजरत इमाम हुसैन सच्चाई के लिए नाना जान की उम्मत के लिए हंसते हंसते सर कटा दिया। यह जंग ना तख्तो ताज के लिए थी, ना मालो जर के लिए थी। यह जंग हक व इंसाफ के लिए थी। हजरत इमाम हुसैन असत्य के लिए झुकने की बजाय सत्य के लिए अपनी जान देना मुनासिब समझें और अपनी गर्दन कटा दी। हजरत इमाम हुसैन ने दुनिया के लिए सत्य पर चलने की एक मिसाल पेश की। इस पवित्र माह की कद्र करते हुए हम सबको हुसैन के बताए रास्तों पर चलने की सीख लेनी चाहिए।